कैबिनेट में यह तय किया है, इनकी मांग को पूरा कर दिया। खबर राजधानी जयपुर से निकल कर के सामने आ रही है, जहां पर आरएएस अभ्यर्थी जो पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे हुए थे, विश्वविद्यालय गेट के बाहर वो बैठ कर के धरना दे रहे थे, कहीं इसमें आमरण अनशन पर भी थे, उनका धरना अब समाप्त हो चुका है एक बड़ी खुशखबरी के साथ। आरएएस अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि मेंस परीक्षा जो 28 जनवरी को होने वाली है उसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए, और उस तिथि को अब आगे बढ़ाने का फैसला सरकार ने ले लिया है। कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये बताया कि आरएएस की जो मेंस परीक्षा है उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। कई अहम फैसले भी कैबिनेट की बैठक में लिए गए, लेकिन उसमें से एक अहम फैसला ये भी है, क्योंकि खुद पंचायती राज मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी इसकी मांग कर रहे थे, और इस संदर्भ में वो कई बार अभ्यर्थियों से भी मिल चुके हैं, और मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात या मिलवाने की बात अभ्यर्थियों को उन्होंने कही भी थी। तो अब आरएएस मेंस की परीक्षा जो है वो आगे बढ़ चुकी है, और इसके बाद जो अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, आंदोलन पर थे, वो अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुँचे कल शाम, और वहाँ जा करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया, सत्कार किया, और उनके समर्थन में नारे भी लगाए। और जब नारे लग रहे थे तो मुख्यमंत्री भी सहज रूप से अपनी कार के गेट से बाहर उतरे, और उसके बाद सभी का अभिवादन स्वीकार किया, मालाएं पहनी। तो एक बड़ी खबर निकल करके राजधानी जयपुर से सामने आई है, जिसमें आरएएस की मेंस परीक्षा अब आगे बढ़ चुकी है। हमने कैबिनेट में यह तय किया है, इनकी मांग को पूरा कर दिया, लेकिन ये मांग बार बार नहीं उठे, बार बार परीक्षा देने वाले धरना न दें, प्रदर्शन नहीं करें, इसको अवॉइड करने के लिए हमने सरकार आरपीएससी को कहेगी कि वो यूपीएससी की भांति कैलेंडर जारी करे परीक्षाओं को जितने, इसलिए ये सब जवानों की, बेरोजगारों की ये बहुत लंबे समय से मांग की थी, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, गहलोत सरकार ने उसको पूरा नहीं किया, भजनलाल सरकार ने आरपीएससी कैलेंडर जारी करेगी यूपीएससी के भांति ये कैबिनेट में फैसला कर लिया है।